कुछ इस तरह है, जो एसएमएस शॉर्टकट इसमें दिया हुआ है उस शॉर्टकट पे हम क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के साथ ही ये ओपन होगा और एक प्रोग्रेस बार आएगा जिसके साथ ये लेआउट, जैसे फर्स्ट ये प्रोग्रेस बार लेआउट चल रहा है, प्रोग्रेस बार लेआउट कंप्लीट होगा उसके साथ ही लॉगिन विंडोज़ आ जाएगा। लॉगिन विंडोज़ आने के साथ इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम डालेंगे। यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन बटन पे हिट करेंगे। अगर हम लॉगिन बटन करना चाहते हैं तो, अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे, और अगर हम पासवर्ड चेंज करना चाहेंगे तो चेंज पासवर्ड में क्लिक करेंगे। हम अभी फ़िलहाल लॉगिन करते हैं। लॉगिन बटन पे हिट किए उसके बाद ये मेन विंडोज़ अपेयर हो जाएगा। मेन विंडोज़ अपेयर होने के साथ इसमें हम स्कूल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उस स्कूल का टाइप भी होता होगा। टाइप होने का मतलब ये है कि सपोज दैट उसमें CBSE पैटर्न है, NCERT पैटर्न है, ICIC बोर्ड है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स हो सकते हैं। तो हम उस बोर्ड को भी मल्टीपल बोर्ड एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से न्यू, सेव, अपडेट, डिलीट एंड क्लोज्ड। अगर हम इसको अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हम इस अपडेट बटन को हिट करेंगे और ये अपडेट हो जाएगा। अगर हमको न्यू करना होगा तो न्यू हिट करेंगे और ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पे कुछ भी डाल के अगर हम सेव करते हैं तो वो सेव ले लेगा, जस्ट लाइक दिस। इसको हम सेव बटन पे हिट करेंगे तो ये सेव ले लेगा और यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करने के बाद हम डिलीट बटन पे प्रेस करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे और ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद आते हैं स्कूल इन्फॉर्मेशन पे। स्कूल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद हम जैसे इस पे जाते हैं तो इसमें स्कूल का डिटेल डालने का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे स्कूल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस एंड डोमेन नेम्स एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एस्टीमेट ईयर, किस कब से स्टेबलाइज हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लिख सकते हैं। और नहीं तो हम जब से सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं उसको भी मेंशन कर सकते हैं या फिर न्यू ईयर को भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो टाइप वहाँ पे डाला था वो टाइप को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, साथ में ये स्कूल का जो लोगो होगा वो लोगो को सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और ये डेटा मेरा सेव हो जाएगा। इसमें मल्टीपल स्कूल डेटा हम रख सकते हैं, सिंगल स्कूल को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें अगर मेरा ऑलरेडी फिलअप है उस पर डबल क्लिक करेंगे, ये सारा फिल हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, देन क्लोज। इसके अलावा हम अगर हॉस्टल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी हॉस्टल का डेटा, जैसे हम हॉस्टल भी साथ में ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंटेन कर रहे हैं, बस मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका हम इंडिविजुअल मेंटेन कर सकते हैं जस्ट इस तरह से। इस पे हम हॉस्टल का नाम और एड्रेस, हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या फिर कहीं और लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा हो बट वहाँ पे लड़के रहते हों या बच्चे को रख रहे हैं, तो उनका इंफॉर्मेशन अलग से मेंटेन करेंगे यहाँ पे इस तरह से। बस इंफॉर्मेशन, मल्टीपल बस अगर हमारे पास है तो मल्टीपल बस इंफॉर्मेशन हम एंट्री करेंगे। उसके साथ हम जैसे बस नंबर हो गया, ड्राइवर नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, उसके बाद सपोर्टर नेम्स हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गया, जैसे इसमें दो पार्ट हैं, एक ड्राइवर और एक जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं बस के उनका, ठीक है, ये बस एंट्री है सेम। इसी तरह सेशन है, सेशन जब से स्टार्ट हुआ तो सेशन जैसे 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह जिस तरह सेशन चल रहा है तो वो सेशन का हम एंट्री करके रख सकते हैं। ये मास्टर डेटा है, ओनली वन टाइम होगा किसी भी ईयर से के लिए। लोकेशन, जिस तरह हम कोई भी ट्रांसपोर्ट का लोकेशन सेट करना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्टिंग का लोकेशन है, जहाँ से बस को रिट्रीव करना है, बच्चे को लेना है या फिर उन्हें छोड़ना है, तो उसको यहाँ से हम एंट्री करेंगे। उसके साथ ही हम फी सेक्शन है, फी सेक्शन में फी हेड को मेंटेन यहाँ से, फी हेड को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। जितने तरह का फी है मेरा, एडमिशन चार्ज है, एनुअल चार्ज है, आर्ट एंड अदर चार्जेज हैं, जैन कंप्यूटर चार्ज है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एज ए मैनेजमेंट की तरफ से पहले से जो कट रहा है वो सारे चार्जेज हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट चार्जेज ये मेंशन किया हुआ है बट आप ये ट्रांसपोर्ट चार्जेज अलग से भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको इसी में मेंटेन करना है तो इसमें भी मेंटेन कर सकते हैं। आप हॉस्टलर फी भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, लेकिन हम उसका अलग एक सेक्शन बनाए हुए हैं जहाँ पे वो ईजी वे में मेंशन हो जाएगा। बट आप अगर एक साथ एक ही रिसिप्ट में मेंटेन करना चाहते हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं क्लास फी। अब इसको हम एक क्लास के वाइज हम इसको असाइन कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, इस हेडर फी को एक क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे वन क्लास हो गया,
फी हम एडमिशन चार्जेस हो गया, स्कूल का नाम हो गया, मल्टीपल स्कूल होंगे तो उसके लिए है, अगर सिंगल स्कूल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल का अलग अलग हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। साथ में हम किस मंथ का फी ये बना रहे हैं, हो सकता है एडमिशन चार्ज हम अप्रैल में रख रहे हों, दूसरे मंथ में नहीं रख रहे हों, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। देन उस मंथ का फी क्या होगा वो आप इंडिविजुअल मंथ का इंडिविजुअल फी यहाँ पे मेंटेन करके बना सकते हैं। ये मास्टर आप एक बार बना देंगे तो आपको एक ईयर के लिए ये दोबारा दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इसमें से जब फी देते समय आप चेंजेस कुछ करना चाहते हैं या डिस्काउंट देना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ओपन किया गया है, बट ये मास्टर डेटा वन टाइम एंट्री होगा। साथ ही साथ हम आते हैं इंस्टॉलमेंट, इसमें से बस इंस्टॉलमेंट है, जैसे बस इंस्टॉलमेंट आप जितना बार सेट करना चाहते हैं कि उनका ट्रांसपोर्टिंग का अलग अलग प्लेस का अलग अलग चार्ज हो सकता है, तो आप जितना इंस्टॉलमेंट सेट करेंगे कि 11 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेना है, 2 इंस्टॉलमेंट में लेना है, 1 इंस्टॉलमेंट में लेना है, तो ट्रांसपोर्ट भी आप वैसा सेट कर सकते हैं इसमें। ये मास्टर में सेटिंग करने के लिए दिया हुआ है आपका इंस्टॉलमेंट फी। उसी तरह हॉस्टलर का भी इंस्टॉलमेंट फी सेट करने के लिए दिया हुआ है कि आप हॉस्टलर से पैसा जो लेना चाहते हैं वो एज ए स्कूल नहीं लेके आप अलग से उसको लेना चाहते हैं, तो अलग से आप इस तरह इसमें मेंटेन कर सकते हैं कि कितने टर्म में आप लेना चाह रहे हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, और हर क्लास के लिए अलग अलग चार्ज आप सेट कर सकते हैं। ये हॉस्टलर और बस फी का इंस्टॉलमेंट सेटिंग हुआ। उसी प्रकार आप अगर स्टूडेंट को कुछ डिस्काउंट परसेंट मास्टर डेटा में देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि किसी सेक्शन को डायरेक्ट मैं एक सेक्शन को मैं पुटअप करूँ और उस सेक्शन को पूरे को मैं डिस्काउंट दूँ इतना परसेंट का, तो आप कर सकते हैं। तो वो किस टाइप में आप करना चाहते हैं, बस फी में करना चाहते हैं, क्लास फी में करना चाहते हैं, जिस फी में करना चाहते हैं, वो आप एक साथ डिस्काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिस्काउंट करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं और डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। उसके साथ हम आते हैं अब स्टूडेंट पे। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में जैसे क्लास टाइप मास्टर होता है, जैसे क्लास टाइप वो प्राइमरी क्लास सेकेंडरी क्लास आप टाइप से मेंटेन कर रहे हैं क्लास का, उसी तरह क्लास टाइप के अंतर्गत जैसे हम क्लास वन में प्राइमरी सेकेंडरी हम अगर कोई नई टाइप है तो वन टाइप में मेंटेन करके चलेंगे, प्राइमरी मेंटेन करेंगे, साथ में क्लास नेम मेंटेन करेंगे यहाँ पे कि क्लास 1 2 3 4 कौन सा क्लास है। इसके साथ सेक्शन और हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी एक क्लास के अगेंस्ट में कौन सा कौन सा सेक्शन हो सकता है, हो सकता है ए बी सी डी हो या फिर ए ही केवल हो, लेकिन हम उसको अगर कुछ नहीं होगा तो केवल ए मेंटेन करके आगे चलेंगे। डॉक्यूमेंट मास्टर है जिसमें से आप जब एडमिशन लेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रिक्वायर्ड है, तो इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आप लेना चाहते हैं तो ये मास्टर डेटा वन टाइम बना सकते हैं। उसके बाद आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको वन बाय वन ये सब एक एक करके आप एडमिशन के समय ले सकते हैं। इसमें से ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है जितना बनाया गया वो सारा डॉक्यूमेंट मांगा जाए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मास्टर वन टाइम बना सकते हैं जिसमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट टाइप के लिए बनाया गया है। इसके साथ हम जैसे ही डॉक्यूमेंट अटेंडेंस टाइप आते हैं तो अटेंडेंस में दो तरह से अटेंडेंस यहाँ पे जैसे हम मेंटेन किए हैं क्लास और थ्योरी, तो हो सकता है थ्योरिकल अलग अटेंडेंस बनाते हों और क्लास अलग अटेंडेंस बनाते हों, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ क्लासेस रख सकते हैं थ्योरी नहीं रख सकते हैं, बट आप अगर टाइप मेंटेन करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो प्राइमरी एक मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आते हैं स्टूडेंट एंट्री, जहाँ पे आप स्कूल का नाम सेलेक्ट करते हैं मल्टीपल स्कूल के लिए, और यहाँ पे एडमिशन नंबर देते हैं, इनरोलमेंट नंबर देते हैं, स्कॉलरशिप अगर कुछ होता है तो स्कॉलरशिप नंबर देते हैं, यूआईडी नंबर आप पुटअप करेंगे, एडमिशन डेट, स्टूडेंट का नाम, उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सेशन किस सेशन में उनका एडमिशन हो रहा है, ब्राउज करके उनका फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं, साथ ही कैटेगरीज में सेलेक्ट कर सकते हैं वो कितने कैटेगरीज में से किस कैटेगरीज में आते हैं। उसके साथ रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे रिलीजन दिए हुए हैं, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट फादर्स कॉन्टेक्ट नंबर, मदर्स नेम, टेम्प्रोरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट में से जो डॉक्यूमेंट हैं उसको आप वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे जैसे क्लास और सेक्शन ये डिजेबल दिख रहा है, यहाँ पे एक दिखे थ्री डॉट दिख रहा है जिस पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये अपेयर हो जाएगा विंडोज, और ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट करने के साथ ही ये यहाँ पे आ जाएगा। साथ में लास्ट स्कूल अटेंड आपका जहाँ पे आपने प्रीवियस पास करके इस स्कूल में एडमिशन लिया है वहाँ का डिटेल डालने के लिए है, वहाँ पे पास फेल्ड जो भी रिजल्ट हुआ है वो रिजल्ट को यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं अगर आपको वहाँ से डेटा डालना है तो, ठीक है। और यहाँ पे ये तो इंडियन ही होगा बेसिकली इंडिया के लिए, बाकी अगर बाहर के लिए हैं तो उनके लिए बाहर से हम ये अलग से डाला जा सकता है।
ऐड ऑप्शन नीचे दिया गया है और कैंसिल करने के लिए भी दिया गया है, वहाँ से वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप पहले से डेटा आपका इंसर्ट है तो आप यहाँ पे गेट डेटा में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उस स्टूडेंट का डेटा फिलअप होगा और फिलअप होने के बाद आप उस डेटा को अपडेट या मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्टूडेंट एंट्री का पूरा काम कर सकते हैं। साथ ही अटेंडेंस है, अटेंडेंस किसी भी क्लास का अटेंडेंस हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे, स्कूल सेलेक्ट करेंगे, सेशन सेलेक्ट करेंगे ये, और जैसे आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं उस तरह से आप अटेंडेंस का सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से सर्च करेंगे, आपका सारा डेटा दिख जाएगा इसमें। ये वर्जन 1 है जिसमें से और भी कुछ कुछ